कई अच्छा कामयाब कार्यक्रम। सर दो विकलांगों से आपने आत्मीयता से बात की, एक महिला विकलांग उसने अपनी लोगों की दुविधा बताई है, एक विकलांग व्यक्ति से आपने आत्मीयता से बात की, क्या क्या उनकी समस्या थी? जो ऐसे हैं दिव्यांग जिनको हम मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद है, एक किसी की नौकरी में दिक्कत आ रही थी, तो ये सब हमको तो इसमें आत्मीयता रखते हुए मानवता के आधार पर काम करना चाहिए और जितने ज़्यादा हो सके उनकी मदद कर रहे हैं। और वो जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, खासकर हमारे SC ST के भाई बहन हैं जो अपने पैर पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, उन लोगों की मदद मैं समझता हूँ इस कैंप के माध्यम से अधिक हम लोग करने की कोशिश करें। जी खाद की किल्लत हर जगह है, लेकिन ज़िले में जो कमी है मैंने बात की है विभाग से भी और जयपुर में भी, मुझे आश्वस्त किया गया है कि अगले एक दो दिन के अंदर जो कमी है उसको पूरा कर लेंगे DAP का खाद का। और बिजली का संकट है, ये इसमें केंद्र सरकार भी मुझे लगता है पूरा सहयोग नहीं कर पा रही है, क्योंकि चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या अन्य राज्य हो, सब बहुत कई दिनों से कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाए। कि समय रहते हम लोगों ने सचेत किया था केंद्र सरकार को, अब वहाँ से कितना सप्लाई कोर का मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बहुत भारी संकट नहीं आएगा और बिजली की कटौती और ज़्यादा नहीं होगी। चिकित्सा व्यवस्था जो है जिले की यानी कि बेपटरी हो चुकी है, कोरोना काल में आपने जो स्थितियाँ संभाली थी वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है, अस्पताल जहाँ पर भी कमियां हैं उन सबको हम सुधारने की कोशिश।